जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई दिनों के बाद फाइनली हम व्लॉग बना रहे हैं और आप देखिए हमारे घर कौन आया है। भाई जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए, इधर तो देख कौन है बताए आपको। है निमय और है मेरा मौसी का लड़का। और हमारे घर एक और मेहमान आया है, हमारी छोटी सी बहना, बाकी दो बहने थे वो नहीं आए। इसका नाम है हर्षु, आपने पुराने ब्लॉग में देखा ही होगा। और इसका जो भाई है भी आने वाला है आज, तो उनका भी वेट करेंगे। बाकी आज है हमारे गांव का मेला, तो आपको दिखाएंगे हमारे घर। आज मस्त खाने के लिए स्वीट बन रहा है, और क्या बन रहा है बताए, मस्त आमरस और पूरन पुली बनाएंगे। तो आज मस्त पहलेंगे हम आमरस और पूरन पुली। ऊपर चलते हैं, अभी फैन तो बंद कर लेते पहले। चलो अबे लाइट भी बंद कर। अच्छा लाइट भी बंद करनी पड़ गई। तो गाइस हम अभी ऊपर जा रहे हैं। फाइनली गाइस ऊपर आ चुके हैं, और लिटरली बताऊ तो अभी के पूरे 9 बज रहे हैं, और अभी जाके नींद से उठे हम दोनों भाई। बाकी तुम कितने बजे उठे थे? मैं 6 बजे उठी थी। बैकग्राउंड में जो कपड़े उसको इग्नोर करना जा रहा। और कुछ कहना चाहते हो आप? लो पकड़ो। गाइस हमारे गाँव में आज मेला लगा है, तो आपको जो पसंद हो कमेंट में लिख देना। क्या पसंद है, क्या पसंद है? अब वो उनको पसंद होगा, मेरे को क्या मालूम। अभी नीचे चलते हैं, मेरी आजी पूरन पुली बना रही है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं भाई जल्दी से नीचे। अभी हमें जाना है हमारे खेत में भोग लगाने के लिए, तो चलते और चलते जल्दी से निकलते, टाइम हो रहा है बहुत, और बहुत ही ज्यादा धूप हो गई है, तो कैब भी ले लिए, तो चलते निकलते जल्दी से। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं, और देखिए हमारे साथ हर्षु भी आई है, सही है, निमय है और मैं हूँ। हमने पानी की बॉटल भी ले ली है और भोग भी ले चुके हैं। हम निकलते हैं जल्दी से अभी, और अभी के आई थिंक 12 बज चुके होंगे, करेक्ट टाइम देखते हैं मोबाइल है हमारे पास। रात के साढ़े ग्यारह बज चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे खेत में। क्या थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? चलते मजा आती है। मजा आती है, हाँ वो तो है, पैदल जो मजा आता है वो तो अलग ही है, लेकिन धूप में नहीं आता है ना वो मजा, धूप में नहीं आता है वो, छाव में आता है मस्त वाला। इधर वाले क्या है लेकिन, ओ माय गॉड क्या है? हरी हरी सब्जियां। चलो चलो, ओ माय गॉड लौकी गाइस, लौकी, ओ माय गॉड इतनी बड़ी लौकी, ए तोड़ मत चल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे खेत में, और ये छोटा सा मंदिर है हमारा। वैसे तो हमारे खेत में कुछ लगाया नहीं अभी, ये देखिए कुआं। फाइनली हमने भोग लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है मस, और दिया भी जला दिया है, और दोनों भूख लगा दिया है। ये जो है ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारे जो पूर्वज है, पूर्वज लोग होते हैं, वो भी हमारे गांव में फेस्टिवल होता है तब हम डेली यहाँ पे भोग लगाने आते हैं। अभी चलते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है भाई, और घर भी निकलना है, और बहुत ही ज्यादा धूप हो चुकी है, तो जल्दी से निकलते हैं गाइस। और हे गाइस है जो पेड़ है, बेल का पेड़ है, तो आज शाम को हम जाने वाले है मेले में, तो वो भी दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और चलते हैं भाई अभी मस्त ठंडा पानी पियेंगे। हम खेत में जाते जाते जिसकी बात कर रहे थे भाई, कृष्णा की, वो फाइनली आ चुका है, देखिए ये कृष्णा, हाय कर दे भाई। और भाई ये जलगांव से अकेला है अभी, अरे बस में तो बहुत सारे लगते, लेकिन अकेला है ना वो। ये देखो आपको दिखाते है, ये जो है चूल्हे में है ना, ये जो डाला है अभी भोग, ये भी भोग ही होता है। ऐसे कहते हैं कि जब हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो वो पूर्वज लोग भी यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, तो उनको ऐसे कुछ दिया जाता है। सच में है या नहीं ये मुझे भी पता नहीं है। बाकी चलते हैं अभी शाम का वेट करेंगे। तो गाइस फाइनली शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी हमें जाना है मेला में,
लेकिन मेले में जाने से पहले हमें जो 12 बैलगाड़ी होते हैं वो खींचते हैं हमारे गांव में, तो वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वो देखने के बाद फिर हम मेले में चलेंगे। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी जो साई है और बाकी मेरे भाई है वो रेडी है, देखते हैं फिर हम निकलते हैं सीधे 12 गाड़ी देखने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और चलते जल्दी से। फिर हम निकल गए मेला घूमने के लिए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है भाई ये देखो कैसा व्यू है, ये देखो ये क्या है भाई, भाई ये क्या है भाई, इतना ऊपर, ओ भाई भाई बैठेंगे तो इसमें ही बैठेंगे भाई। सीरियसली यहाँ पे हमारी सच में फट गई थी, एक वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से नीचे गिर जाएंगे और बहुत ही डर लग गया था यहाँ पे। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस भाई, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। तो गाइस अभी हम आए दूसरे वाले झूले में, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस रहता है। और हम मेरे साथ आया है योगेश भाई, ये देखिए। हाय भाई, हाय। आज बहुत ही इंजॉय करने वाले, बाकी साई और मेरे जो भाई थे वो घर चले गए या फिर वो उनके फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। और बाकी हमारे साथ एक और बंदा है, वो आपको दिखाते हैं। और कैसे देखे एक और बंदा है हमारे साथ, योगेश। हेलो, इसका भी नाम योगेश है और इसका भी नाम योगेश है। ये जो ड्रैगन वाला झूला है ना भाई, ये सबसे बेहतरीन है। दो ड्रैगन वाले झूले आए यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है और दूसरा उधर है। घर पे आ चुका हूँ और भाई आज जो एंजॉय किया है भाई, आज बेस्ट डे गया हमारा और बेस्ट एक्सपीरियंस भी रहे। जो हम ड्रैगन वाले झूले में बैठे थे उसको तो बहुत ही अल्टीमेट मजा आ गया। वो ऊपर जाता था तो हम डायरेक्टली लटक जाते थे भाई, वहाँ पे ऐसा लगता था कि नीचे गिर जाएंगे। ज्यादातर मैंने वहाँ लॉक भी नहीं किया भाई, क्योंकि मोबाइल एक हाथ में और एक हाथ से मैंने सेफ्टी के लिए धरा हुआ था। जो रिएक्शन आए भाई लोगों के वहाँ पे, योगेश का तो बहुत ही फनी रिएक्शन आया था भाई, तो बहुत ही ज्यादा डर गया था वहाँ पे, आपने देखा ही होगा। बाकी हमने बहुत कुछ खाया वहाँ पे, वो तो मैंने ब्लॉग में दिखा नहीं पाया क्योंकि शोर ही इतना ज्यादा हो रहा था।
रहा था वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था। तो फाइनली अब मैं घर पे आ चुका हूँ एंड बस एंड करने का वक्त हो चुका है व्लॉग। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर, बाय।